कह रहा शाहरुख खान के बेटे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी से फाइनली दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि कितनी खतरनाक दोस्तों चक्रवाती तूफान अभी मतलब इंडिया में आया है, इंडिया पाकिस्तान में दोस्तों ये तूफान फिलहाल अभी काफ़ी एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मुंबई के एक बेहद खूबसूरत से इलाके बैंड स्टैंड में, जैसा कि दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सामने की तरफ अगर आप देख रहे होंगे ये है आपका बांद्रा वरेली सीलिंग, और इसके जस्ट अपोजिट में देख रहे होंगे दोस्तों इस तरह से पूरा यहाँ पर सजम बस्तियाँ बसी हुई है। सामने की तरफ देख रहे हैं पूरा एकदम ऊपर तक की बसी हुई है। ये तो थोड़ा सेफेस्ट एरिया है दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात दोस्तों बांद्रा में वो भी शाहरुख खान जी के घर के सामने जो झोपड़पट्टियाँ हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि जो शाहरुख खान के घर के सामने की सारी झोपड़पट्टियाँ हैं वो दोस्तों कुछ खतरे में थी। बाकी दोस्तों जैसा कि अभी ये सामने की तरफ देख रहे हैं ये आपका बांद्रा फोर्ट है, और दोस्तों वाकई ये एरिया ना काफ़ी बदनाम एरिया है इस। बाकी दोस्तों हम आपको ये पूरा बांद्रा फोर्ट वगैरह दिखाने की कोशिश करेंगे वैसे, और सामने की तरफ जो भी कुछ हो सकता है व्यू वगैरह यहाँ का हम आपको दिखाते हुए दोस्तों हम निकलते हैं सीधा शाहरुख खान जी के घर के सामने की तरफ। और इसी तरह से दोस्तों आज हम पूरा आपको बैंड स्टैंड घुमाएंगे यहाँ की, आपको कोशिश करेंगे जिंदगियाँ भी दिखा सके दोस्तों की, जो समुंदर के किनारे दोस्तों मैंने देखा बर्तन धो रही थी, कपड़े धो रही थी, यार ऐसी ऐसी भी जिंदगियाँ दोस्तों जो फिलहाल यहाँ पर जीते हैं। बाकी यहाँ की ज़िंदगी दोस्तों कभी कभी ना काफ़ी डिफिकल्ट लगती है। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपको लव बर्ड सारे तरफ फैले हुए मिलेंगे, तो बाकी दोस्तों हम लव बर्ड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो वो हमारे ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों अभी सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग अभी यहाँ पे पानियों में नहा रहे हैं, धो रहे हैं, अभी अपने बच्चे को भी दोस्तों लेके वो नहा रहे हैं। अभी इनको ये मालूम नहीं है कि अभी दोस्तों यहाँ पे कितना खतरनाक चक्रवाती तूफान आ रहा है। सामने की तरफ से देख रहे हैं दोस्तों कितनी खतरनाक लहरें आ रही हैं। अगर कोई भी बच्चा दोस्तों चपेट में आ जाएगा तो इनकी जान सांसद में पड़ सकती है। तो दोस्तों इन तरह की अभी के टाइम तो फिलहाल गलती ना करे तो बेटर है। तो फिलहाल दोस्तों अब हम चलते हैं बांद्रा फोर्ट के ऊपर की तरफ, इसके ऊपर से हम दोस्तों आपको कुछ नज़ारा वगैरह दिखाते हैं, चलते हैं दोस्तों फटाफट। बाकी यहाँ का जो सीन्स होगा ना भाई वो काफ़ी लाजवाब होने वाला है। बाकी दोस्तों बांद्रा फोर्ट पे से ना जी ये बांद्रा वरेली सी लिंक है ना भाई, देखने में क्या गजब का सुंदर लगता है भाई, लोग यहाँ पे घंटों घंटों खड़े होकर फोटो वगैरह खिंचाते रहते हैं। तो फटाफट दोस्तों हम चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, वहीं पर हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह से खूबसूरत सी सीढ़ियाँ हैं जिसको हमें चढ़ के जाना है दोस्तों, खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए। ये सामने की तरफ देखिए दोस्तों पूरा बांद्रा वर्गीय सीलिंग है। अभी दोस्तों मैं थोड़ी सी सीढ़ियों के ऊपर आया, तो फिलहाल दोस्तों अभी हमने जैसा कि बांद्रा वरेली सीलिंग आपको दिखाया, अभी दोस्तों मैं फोर्ट से नीचे उतर के अभी मैं चल दिया हूँ शाहरुख खान के घर के तरफ के सामने। बाकी अभी यहाँ पे आप चारों तरफ से दोस्तों महल वगैरह देख सकते हैं, लेकिन अभी दोस्तों वो भीड़ भाड़ नहीं है जो अक्सर होती थी, और अभी यहाँ के दोस्तों पार्क वगैरह भी बंद है। वजह क्या थी दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ का पार्क बंद है। और बाकी ये पार्क दोस्तों काफ़ी बदनाम पार्क है, जैसा कि दोस्तों अगर आपने देखी होगी बहुत सारे दोस्तों बैंड स्टैंड की वीडियोज़ देखी होंगी, तो इसमें अक्सर दोस्तों पूरे कपल्स वगैरह पूरा एकदम मस्त तरीके से दोस्तों यहाँ पे एंजॉय करते हैं। स्पेशली दोस्तों अगर कहें तो ये लव बर्ड्स पार्क ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब नहीं जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे चारों तरफ से ज़्यादातर दोस्तों आपको लव बर्ड्स दिखाई देंगे, और हम जैसे सिंगल लोगों के लिए दोस्तों थोड़ा सा उसमें घूमना मुश्किल होता है। फिर दोस्तों अभी मैं घूम रहा था, मुझे कुछ औरंगाबाद के बच्चे मिले हैं, ये बड़े चुलबुल बच्चे हैं, और मैं जा रहा था तो ये मुझे पूछ रहे भैया आप यूट्यूबर हैं? अच्छा नहीं, ये सब्सक्राइबर नहीं, अभी सब्सक्राइब किया है और कह रहा हम आपके सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग अपना नाम बताओ। हमारा नाम अब्दुल है। और आपका नाम? अबू बकर है। अबू बकर है, तो अबू बकर यहाँ क्या करने आए हो आप? अभी कहाँ से हो आप? अभी औरंगाबाद से आए हो। तो मुंबई में कैसा मजा आ रहा है आपको? अच्छा आ रहा है। तो स्पेशली आप यहाँ पे क्या देखने आए थे? घूमने आए थे। मतलब बैंड बांद्रा में आए हो, तो क्या स्पेशली यहाँ पे क्या देखना था तुम्हें? मालूम नहीं हमारे शाहरुख खान का घर नहीं देखने आए थे? नहीं मालूम नहीं आ गया। शाहरुख खान का घर नहीं देखने आए थे? अरे जान लो मालूम यहाँ पे क्या कह रहे हो? स्पेशली आप यहाँ पे मतलब यूट्यूबर को मिलने पाए। अच्छा अच्छा हम वो
क्या चैनल है नाम बता दो आपका, नाम भी नहीं याद है यार, यूट्यूब चैनल है RDS Gamer Y? अभी बदल गया। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे ये औरंगाबाद में कुछ यूट्यूबर छोटे बच्चे यूट्यूबर मिले एक सब्सक्राइबर है यूट्यूबर है यार। एक सब्सक्राइबर है, तो घोर बेइज्जती है, ये तो पूरा अपमान हो रहा है। कट कर यार, ये बंदे देख रहे हो, बच्चे यार काफी स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम हीरो जैसे बच्चे हैं दोनों। कह रहा शाहरुख खान के बेटे हैं आप, तो शाहरुख खान से बेटे से भी तुम स्मार्ट हो भाई। आर्यन खान भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, तो वो तो उसका बेटा है यार। अरे तो वो स्मार्ट नहीं है ना, स्मार्ट तो आप हो। सही बात है ना, अब्राहम खान एक छोटा उसका लड़का है अब्राहम खान, जो तुम्हारे इतना बड़ा हुआ होगा, देखो नहीं अब्राहम खान को अच्छा अच्छा बराबर। तो अब मुंबई घूम के जेब में गांधी छोड़ी उसके बिहार में आने सब डाल दूंगा मजा आएगा ना मजा आएगा ठीक है यहाँ दिखा रहा हूँ। तो और आपने मुंबई में क्या क्या देखा ये बताओ। हमने शाहरुख खान का घर देखा, उसके अलावा हमने क्या अब्राहम का घर देखा, सुपर चैपिट कुछ तो बोलते हैं, पानी का तैरने का जैसा है। अच्छा अच्छा, तो मुंबई में तुम्हें सबसे अच्छा क्या जगह ये बताओगे, जो तुम रिकमेंड करोगे सब देखिए तुम तुम्हारे जैसे बच्चों को। नहीं बताओ नहीं क्या क्या अच्छा जगह हमारे को सब में अच्छी जगह दिखी। सबसे अच्छी चीज ये है श्री बोल श्री छोरी पटाना। क्या छोरी पटाना है ये देख रहे हो बच्चे लोगों की हरकतें देख रहे हो। अच्छा मजाक कर रहे हो लेकिन ये सारी चीजें पता है कॉमेडी कॉमेडी वो भी यूट्यूब चैनल पे आते हैं श्री छोरी पटाना वो मालूम क्या यादव की वीडियो क्यों देखते हो आप जो बच्चे हो। तो मैं नहीं देखता, ये देखता हूं, हमारे को यूट्यूब शॉर्ट पे आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट पे आता है। तुम यूट्यूब शॉर्ट नहीं डालते? नहीं नहीं डालता, मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियो डालता हूं। मैं शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, पर मुझे अच्छे वाले सब्सक्राइबर चाहिए जो हमारी वीडियोस को देखें। हम भी देखें। वैसे बच्चे दोस्तों वाकई काफी फनी थे, इनके साथ मेरा काफी अच्छा टाइम भी था। देख रहे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं औरंगाबाद भी गया था, पता है आपको? कब? अभी नहीं, काफी टाइम हो गया औरंगाबाद गया मुझे। मैं आपका औरंगाबाद पूरा घूमा हूँ। कितने साल? वहाँ पे नहीं, अभी 7-8 महीने पहले गया था। कटकड़ी गेट ये नहीं पता मुझे, लेकिन वहाँ पे जो ताजमहल है वो गया हूँ। उसके बाद बीवी का मकबरा बोलते हैं, उसके बाद एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और उसके सिवा भी कई सारे फोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें विजिट किया हूँ। उसके बाद औरंगजेब का मकबरा वगैरह है, वो सारी जगह मैंने विजिट किया है। आप देखना नुमेड खान पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपका औरंगाबाद मैंने विजिट कर लिया है। हाँ अच्छा 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 ठीक है, सही। ये बच्चों की बातों का ध्यान देना आप, बच्चे लोग जो बोल रहे हैं वो करना है ठीक है। आप सभी लोग वीडियो देखते हैं पर यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, अब इतने प्यारे प्यारे बच्चे अगर बोल रहे हैं तो आप लोगों को ये सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। तो फिलहाल जनाब देख सकते हैं यहाँ पे औरतें किस तरह से दोस्तों कपड़े साफ कर रही हैं। बैंड स्टैंड के दोस्तों किनारे जो थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह इकट्ठा होता है, इस तरह से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोस्तों। मुझे देख के काफी अजीब सा फील हो रहा है, दो औरतें बैठी हुई दोस्तों कपड़ों की साफ सफाई कर रही हैं। तो फिलहाल जनाब मैं अभी इसे शाहरुख खान के घर के सामने घूम रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पुलिस वाले ने क्या प्रोग्राम किया हुआ है। वाकई दोस्तों ये जो म्यूजिक बजा रहे हैं, मतलब अलग अलग म्यूजिक बजा के दोस्तों इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, वाकई दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी एग्जैक्टली इस सेलिब्रेशन का क्या नाम है ये तो मुझे नहीं पता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ से सारे पुलिस ही बैठे हैं, और मतलब गजब की भाई वो म्यूजिक बजा रहे हैं, और वाकई सुनने में ना वाकई काफ़ी मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं,
और अलग अलग टाइप के दोस्तों इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये कि वैसे वाकई काफ़ी बढ़िया सीन था भाई। काफ़ी मैं करीबन दोस्तों 10-15 मिनट तक इस चीज़ को देखता रहा और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। बाकी दोस्तों आप भी देख सकते हैं। बाकी मैं म्यूजिक तो लगा दूंगा दोस्तों, हो सकता है काफ़ी राइट ना आ जाए तो इस चीज़ से थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन फिलहाल देखा जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सारे सीन्स वगैरह। तो फिलहाल दोस्तों किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि भाई शाहरुख खान आया। भाई उसका नौकर था, शाहरुख खान भी नहीं था भाई। लोगों ने गजब की भीड़ लगा ली भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ से, यहाँ से पूरा समुंदर के किनारे तक दोस्तों भीड़। शाहरुख खान आया बस लोग चिल्लाए जा रहे हैं दोस्तों समुंदर के किनारे से, कोई गिरते पड़ते भागते हुए आ रहे हैं दोस्तों शाहरुख खान को देखने के लिए। यहाँ पर ना तो शाहरुख खान आया ना तो कोई कुछ आया दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड बाद में दोस्तों पुलिस को बुलानी पड़ गई और पुलिस वाले ने दोस्तों सबको मार के भगाया यहाँ से। इस तरह से दोस्तों कुछ सीन्स हो जाते हैं शाहरुख खान के घर के सामने। वाकई दोस्तों रुतबा और नाम हो तो शाहरुख खान जैसा कि भाई नाम लेने पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई पूछो। और हमेशा दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि शाहरुख खान के घर के सामने भाई यूँ भीड़ लगा रहता है पूछो मत। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये दोस्तों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।